डिपार्टमेंट था आईसीयू। तो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए 3 लोग थे। तो जब मेरे से इंटरव्यू पूछा गया तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा, हाय गाइस, तो स्वागत है आप सबका चौहान यूके वाइब्स में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे क्योंकि हम काफी लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो वीडियो जो है हमारा इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं आईसीयू में जॉब करती हूँ और जब मैंने इंडिया से अपना इंटरव्यू दिया था तो वह मैंने आईसीयू के लिए दिया था। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो जो आपकी एजेंसी होती है, जिस एजेंसी के थ्रू आप इंटरव्यू दे रही हैं, तो वो एजेंसी आपको सबसे पहले इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराती है कि आपको किस तरीके से, किस क्राइटेरिया के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि मुझे पता है कि इंटरव्यू के नाम से हम सब लोग, जहां भी इंटरव्यू का नाम आता है हम लोग घबरा जाते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आप इंटरव्यू देते हैं, पहले आपको लगेगा कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको बहुत डर लगेगा, बट जैसे ही आप इंटरव्यू देने के लिए बैठते हैं बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। जब आप इंटरव्यू देने के लिए बैठेंगे तो बहुत काम और बहुत कूल नेचर के होते हैं। जो आपको जज करता है इंटरव्यू के टाइम पे, वो बंदा आपको ये नहीं देख रहा है कि आपको कितनी नॉलेज है या फिर कितना कुछ है। वो सब आपको जज करते हैं कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। आपने अपने एक्सपीरियंस से, आप जिस भी डिपार्टमेंट में, आप जहां भी आप काम कर रहे हैं, आपने उस डिपार्टमेंट में अपने एक्सपीरियंस से कितना सीखा है और आपकी नर्सिंग जजमेंट कैसी है, तो उस बेसिस के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू किया जाता है। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूं कि जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरा डिपार्टमेंट था आईसीयू। तो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए 3 लोग थे। तो जब मेरे से इंटरव्यू पूछा गया तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा था कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो जब मैंने बताया कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, उनके बाद वो इतना खुश हुए कि अगर आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है तो वो लोग बहुत खुश होते हैं आपका इंटरव्यू लेते हुए। तो जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि आपसे कोई एनाटॉमी की बुक उठा ली, साइकियाट्री की बुक उठा ली, उससे आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कम्युनिटी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी आप जो करते हैं डेली बेसिस पे उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होता है। मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो होता है कि आपको एक क्राइटेरिया दे दिया जाता है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको एक सिचुएशन में डाल दिया जाता है कि आपका पेशेंट है, एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, आपके पास पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट आया है, सडनली आप देखते हैं कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, हार्ट रेट बढ़ रही है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, तो आप क्या सस्पेक्ट करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी नर्सिंग जजमेंट देखनी है कि आप उस कंडीशन को कैसे जज करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं और कुछ ऐसा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू में आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इंटरव्यू में बस आपको प्रिपेयर करना है, आप क्राइटेरिया वाइज क्वेश्चन देखिए कि अगर आपके सामने एक सिचुएशन आती है तो आप उस सिचुएशन से कैसे डील करेंगे। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन होती है आईसीयू के अंदर। अगर आप काम करते हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट आपके पेशेंट होते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के साथ डील करते हैं। तो आप देख लीजिए कि आप किस तरीके के आईसीयू में काम करते हैं। आप रेस्पिरेटरी आईसीयू में काम करते हैं, आप मेडिकल आईसीयू में काम करते हैं, आप कार्डियक आईसीयू में काम करते हैं, आप थिएटर में काम करते हैं, आप एएनई जैसे एक्सीडेंटल एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपसे क्राइटेरिया के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो कोई बुक्स उठाने की जरूरत नहीं है, कुछ उठाने की जरूरत नहीं है। जो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है और जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें तो आप इसी अकॉर्डिंग, इसी बेसिस पे आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें कि आपको अगर एक सिचुएशन या एक क्राइटेरिया में डाला जाता है तो आप उस सिचुएशन से कैसे डील करेंगे। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें कि आपको अगर एक सिचुएशन या एक क्राइटेरिया में डाला जाता है तो आप उस सिचुएशन से कैसे डील करेंगे। तो ये तो थे कि आपको क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, आपको एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कैसे डील करना है। सेकंड क्वेश्चंस जो 2 या 3 से ज्यादा क्वेश्चन, मतलब वो लोग पूछते नहीं है क्योंकि उसी में वो आप लोगों को जज कर लेते हैं कि आप किस तरीके से, आपकी नर्सिंग जजमेंट के अकॉर्डिंग आप पेशेंट से कैसे डील करते हैं और कैसे नहीं करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन पूछने का क्राइटेरिया होता है वो हर एक ट्रस्ट का और हर एक हॉस्पिटल का अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि वो किस बेसिस पे वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो जो आपकी एजेंसी होते हैं सबसे पहले वो आपको प्रिपेयर करा देते हैं, वो आपको क्राइटेरिया बता देते हैं कि इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को उसी तरीके से प्रिपेयर करना होता है।
जब आपसे क्राइटेरिया बेसिस पे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं उसके बाद वो सिर्फ बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप यहाँ पे आके आपको हमसे क्या सपोर्ट चाहिए, आप अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, तो ये सब क्वेश्चन होते हैं जो वो पूछते हैं। बाकी बेसिक्स नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ इंटरव्यू में ऐसे घबराने की जरूरत नहीं होती है। तो जब भी आप अपने आप को प्रिपेयर करें तो सबसे पहले तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं आपके डिपार्टमेंट में कैसे कैसे सिचुएशन होते हैं। जैसे कि अगर आप वार्ड में काम करते हैं तो वार्ड में अलग सिचुएशन होती है, पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है, पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, पेशेंट हाइपरटेंसिव हो सकता है, पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे डील करेंगे। अगर आप मेडिकल आईसीयू में, तो मेडिकल आईसीयू में आप वेरियस जो प्रॉब्लम्स उनके साथ डील करते हैं, तो आप उस सिचुएशन से कैसे निकलोगे, आप कैसे जज करोगे, आप कैसे ट्रीट करोगे अपने पेशेंट को। और अगर आप कैजुअलिटी में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो अगर आपके पास कोई एक्सीडेंट केस आया है, कोई हैंगिंग केस आया है, या फिर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आई है, तो आप उसके साथ कैसे डील करेंगे। तो यही बेसिक्स होते हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने होते हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए। बाकी मैं ये नहीं कहती हूं कि इंटरव्यू कोई बड़ी चीज नहीं है, सबके साथ ही होता है। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डर सबके मन में होता है। मैं भी बहुत डरी हुई थी, पर जैसे ही मैंने अपना पहला क्वेश्चन सुना, जैसे ही मतलब मेरा उन्होंने मेरे से जब मेरा इंट्रोडक्शन लिया, उन्होंने मुझे इतना काम कर दिया उसी टाइम में कि मतलब मैं बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंट हो गई थी अपना इंटरव्यू देने के लिए। जब उन्होंने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, वो मेरे डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड था कि अगर आपका एक पेशेंट है, अगर आपके पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, तो आपको बेसिक्स देखना है कि आप अगर आप पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है तो आप पेशेंट के साथ कैसे डील करते हो, बस उनको वही बताना है, उसी में वो आपके नर्सिंग जजमेंट को डील कर लेते हैं। बाकी के क्वेश्चंस जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि बस सिर्फ बेसिक्स पूछते हैं कि आपको यहाँ आने के बाद क्या सपोर्ट चाहिए, आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आप अपने आपको कहाँ देखना चाहते हैं, ऐसी कोई चीज जो आपको नहीं आती है और आप हमसे सपोर्ट चाहिए आपको टेक्नोलॉजी में या किसी भी चीज में, तो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं इस चीज में। तो आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये हेल्प जरूर मिलेगी कि किसी भी इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और बस ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।